देश में मौसम चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन साल में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब ट्विटर ट्रेंड से लेकर नेशनल न्यूज तक हर कोई जानना चाहता है कि बिग बॉस में इस बार सलमान भाई किस पर मेहरबान होने वाले हैं और किसकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। जी हाँ जनाब, अपने 15 साल के करियर में बिग बॉस ने कई सेलिब्रिटीज के करियर को सफलता की सीढ़ी दिखाई है, वही कुछ ऐसे भी है जिन्होंने नेशनल टीवी पर मुंह की खाई है। आज की हमारी ये वीडियो टीवी की कुछ ऐसी ही हस्तियों पर फोकस रहने वाली है जिनकी किस्मत को बिग बॉस की टीआरपी और ऑडियंस का छप्पर फाड़ प्यार मिला है और आज ये ग्लैमर की दुनिया का नायाब सितारा है। नंबर 10, गौहर खान। गौहर खान और बिग बॉस का एक खास और पुराना नाता रहा है। कई आशिकों के दिल पर राज करने वाली हुस्न की ये मलिका बिग बॉस 7 में नजर आई थी और उस सीजन की विनर बनकर भी उभरी थी। बिग बॉस में आने से पहले इशकजादे फिल्म में इनके छोटे से किरदार को तो हर कोई देख चुका था, लेकिन लोगों का ध्यान गौहर की तरफ तब गया जब इनके मजबूत व्यक्तित्व ने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट को हिला डाला। अपनी बातों को सही तरीके से रखने से लेकर अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले इनके फियरलेस अवतार को जनता का प्यार मिला। तभी तो शो को बीच में छोड़ के जाने के बाद भी पब्लिक डिमांड पर इन्हें वापस लाया गया। ये इनकी पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि कई वेब सीरीज और बेगम जान जैसी बड़ी बजट फिल्म में उन्हें काम करने का मौका भी मिला। नंबर 9, राहुल वैद्य। रातों रात जनता के दिल में जगह बना पाने वाले बिग बॉस कंटेस्टेंट की लिस्ट में एक नाम राहुल वैद्य का भी शामिल है। कमाल है कि नीति मोहन जैसे सिंगर्स के साथ रियलिटी शो में स्टेज शेयर करने के बाद भी राहुल वैद्य एक लंबे समय तक केवल कुछ ही लोगों के बीच पॉपुलर रहे। उनके टैलेंट को पॉपुलैरिटी का साथ तब मिला जब वह बिग बॉस में अपने सिंगिंग अवतार को दिखाते नजर आए। इसके अलावा उनके कॉमिक अवतार और वन लाइनर्स को भी इतना पसंद किया गया कि वह बिग बॉस के फर्स्ट रनर अप के रूप में उभरे। ये उनकी लोकप्रियता का ही नतीजा रहा कि शो के बाद उन्हें कई बड़े म्यूजिक लेबल के साथ गाना गाने का मौका मिला और अपनी गर्लफ्रेंड टर्न वाइफ के साथ भी वह माधानीय म्यूजिक वीडियो में इमोशनल परफॉर्मेंस देते नजर आए। नंबर 8, नोरा फतेही। हाय गर्मी, बड़ा पछताओगे और दिलबर जैसे गानों पर दमदार परफॉर्मेंस देकर नोरा फतेही आज इंडियन यूथ के बीच डांसिंग सेंसेशन जरूर बन चुकी है, लेकिन वो भी एक समय था जब इनकी पॉपुलैरिटी केवल कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित थी। फिर उनको करियर का सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब वह बिग बॉस 9 का हिस्सा बनी। हालांकि वह शो में एक लंबे समय के लिए जगह नहीं बना पाई, लेकिन शो के दौरान वह प्रिंस नरूला के साथ रिलेशन को लेकर भी काफी चर्चा में रही। इनकी पर्सनालिटी और दिलकश अदाए भी लोगों को कुछ यूं भाई कि घर से बाहर आने के बाद कई प्रोजेक्ट्स इन्हें थाली में परोस कर दिए गए। बॉलीवुड के कई बड़े डांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें अप्रोच किया गया और आज आलम ऐसा है कि भारत के टॉप डांसर्स की लिस्ट में इनका नाम भी आता है। नंबर 7, हिना खान। 10 साल तक ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में एक संस्कारी बहू का किरदार निभाने वाली हिना खान बेशक अपने करियर के शुरुआत से ही घर घर का नाम रही, लेकिन उन्हें फैशन आइकन और सेक्सिस्ट वुमन के तौर पर पॉपुलैरिटी तब मिली जब वह बिग बॉस के घर में अपने फैशन सेंस के दम पर ऑडियंस को लुभाने में कामयाब हुई। एथनिक वेयर से लेकर नाइट सूट तक उनके सभी लुक्स को बेतहाशा प्यार मिला। खास तौर पर वीकेंड के वेयर पर सलमान खान भी कई बार हिना की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। उस सीजन की विनर भले ही शिल्पा शिंदे रही, लेकिन लोगों को हिना खान का बोल्ड, ओपिनियनेटेड और आउटस्पोकन नेचर काफी पसंद आया। ये बिग बॉस की पॉपुलैरिटी का ही नतीजा रहा कि उन्हें बाहर आने पर केन्स फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर भी चलने का मौका मिला। इसके अलावा कई म्यूजिक वीडियोस और वेब सीरीज के लिए भी उन्हें साइन किया गया। नंबर 6, सनी लियोनी। अगर आप सोच रहे हैं कि सनी लियोनी का नाम इस लिस्ट में क्या कर रहा है और ये मोहतरमा तो अपनी एडल्ट फिल्म के लिए हमेशा से सुर्खियों में रही है, तो आप ये नहीं जानते होंगे कि सनी लियोनी के लिए बॉलीवुड के दरवाजे बिग बॉस में एंट्री के बाद ही खुले। जी हाँ जनाब, आज फिल्मों और आइटम सॉन्ग्स में कदम थिरकाने वाली सनी लियोनी को भी बॉलीवुड सक्सेस और पॉपुलैरिटी का स्वाद चखने का मौका बिग बॉस ने ही दिया। सनी लियोनी बिग बॉस सीजन 5 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नजर आई थी, जिसके बाद सनी लियोनी घर घर का नाम बन गई। उनके हसीन चेहरे के चलते उन्हें बेबी डॉल, लैला जैसे कई आइटम नंबर्स और फिल्मों में काम मिला। नंबर 5, गौतम गुलाटी। बिग बॉस 8 में बतौर कंटेस्टेंट ऑडियंस का दिल और ट्रॉफी जीतने वाले गौतम गुलाटी के लिए ये शो गेम चेंजर रहा। इससे पहले दिया और बाती हम जैसे छोटे से सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस एक्टर का फैन बेस केवल कुछ ही लोगों तक सीमित था, लेकिन बिग बॉस में एंट्री के साथ ही इनकी पर्सनालिटी का जादू कुछ ऐसा चला कि गौतम गुलाटी घर घर का नाम बन गया।
यूथ के बीच इनकी फिटनेस और परफेक्ट बॉडी को काफी सराहा गया। बिग बॉस की जीत के बाद से ही गौतम गुलाटी की सक्सेस को वो मुकाम मिली कि बतौर एक्टर वो अजहर, राधे और बहन होगी तेरी फिल्मों में काम करते नजर आए। इनकी शॉर्ट फिल्म डरपोक को तो केन्स फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीनिंग का मौका मिला। मानो ना मानो, बिग बॉस गौतम गुलाटी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नंबर 4, तेजस्वी प्रकाश। आजकल एकता कपूर के फेमस सीरियल नागिन 6 में लीड रोल करती तेजस्वी प्रकाश इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि म्यूजिक वीडियो से लेकर जल्दी ही वो फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ सकती है। लेकिन बता दे कि फेम की ये चांदनी उन्हें बिग बॉस 15 के बदौलत ही नसीब हुई है। सुहरागिनी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये स्टार वैसे तो कर्ण संगनी से लेकर पहरेदार पिया की जैसे कई सीरियल्स में काम कर चुकी है, लेकिन स्टार के तौर पर लोकप्रियता उन्हें उनकी बबली और चार्मिंग पर्सनालिटी के चलते मिली है। साथ ही करण कुंद्रा के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर ये भी आए दिन कई ट्विटर ट्रेंड्स का हिस्सा रहती है। नंबर 3, सना खान। ये नाम भले ही टीवी इंडस्ट्री को छोड़ अब धार्मिक रुख कर चुका है, लेकिन बिग बॉस लवर्स जानते हैं कि सना खान सलमान खान की फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक रही। सीजन 6 में एंट्री लेने वाली इस मॉडल कम एक्ट्रेस को एक लंबे समय तक कोई नहीं जानता था, लेकिन बिग बॉस सीजन 6 में पहले एपिसोड से ही ये सलमान खान की फेवरेट बन गई। साथ ही कई युवाओं का दिल चुराने में भी कामयाब रही। एक हसीन चेहरे और क्यूट अंदाज से ये बिग बॉस में एक नया फ्लेवर ऐड करती दिखी और इनके इसी व्यक्तित्व ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस प्लेटफॉर्म पर अपना जलवा बिखेरने के बाद ये कई फिल्मों में भी नजर आई और अपने बोल्ड लुक के लिए भी इन्होंने कई सुर्खियां बटोरी। खैर, अब ये ग्लैमर की दुनिया से नाता तोड़ अपने पति के साथ आम जिंदगी जी रही है। नंबर 2, शहनाज गिल। शहनाज गिल बिग बॉस इतिहास का वो सितारा है जिसने न केवल इस शो से पॉपुलैरिटी पाई बल्कि सीजन 13 को मैसिव हिट बनाने में भी एक बड़ा योगदान दिया। अपनी इनोसेंस और यूनिक पर्सनालिटी के चलते शहनाज गिल को न केवल ऑडियंस का प्यार मिला बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनके खास रिश्ते को भी काफी पसंद किया गया। शो से पहले पंजाब की इस कुड़ी को केवल लोग सिंगर के तौर पर जानते थे, लेकिन इस शो में इन्हें शहनाज का वो रूप भी देखने को मिला जो अतरंगी होने के साथ काफी एंटरटेनिंग था। इनके डायलॉग से लेकर हर छोटी हरकत को सोशल मीडिया पर इतना पसंद किया गया कि ये कई मीम्स का भी मटेरियल बन गई। साथ ही बिग बॉस के बाद ये पंजाबी के साथ कई बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी कदम थिरकाती नजर आई। अब खबर ये है कि जल्दी ही ये सलमान खान की फिल्म में बतौर एक्ट्रेस भी नजर आ सकती है। नंबर 1, सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस 13 के इतिहास में ये नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। कभी डेली सोप पर राज करने वाला ये सितारा केवल अपनी फिटनेस और फिजिक के लिए जाना जाता था, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला इंटरनेट सेंसेशन तब बन गया जब इनकी मैचो और वाइब्रेंट पर्सनालिटी ने कई यूथ का दिल जीता। सिद्धार्थ और शहनाज के रिश्ते को लोगों ने भी काफी पसंद किया। कई लोगों ने इन्हें सिद्धनाज कहकर भी बुलाया। बिग बॉस में अपनी जुनूनी जज्बे से टास्क जीतने के साथ सिद्धार्थ ने शो और एक बड़ी ऑडियंस को भी जीता। इसी वजह से इन्हें कई बड़े प्रोडक्शन हाउस से भी काम मिला, लेकिन ये सब कुछ तब धरा का धरा रह गया जब पिछले साल हार्ट अटैक के चलते वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज बिग बॉस का ये लेजेंड जिंदा नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में इनके लिए प्यार बरकरार है। खैर, ये तो केवल 10 सितारों की गिनती है, लेकिन रियलिटी बताती है कि बिग बॉस ने कई सितारों की किस्मत को फेम का आसमान दिया है। वही कुछ ऐसे भी रहे हैं जिनके लिए ये शो एक बिग फ्लॉप साबित हुआ है। इन बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में आपका क्या कहना है और कौन सा कंटेस्टेंट आपका फेवरेट रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।